नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपराधी अपने आप को चाहे जितना चालाक समझे, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली के आगे उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। गाजीपुर जिला जेल से अक्टूबर 2015 में जेलर के आवास से सफाई करते समय चकमा देकर शाहरुख नाम का अपराधी फरार हो गया था, जिसके चलते उस वक्त 3 बंदी रक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। शाहरुख जनपद चंदौली के अलीनगर का निवासी था, जो चोरी और लूट के कई मामलों में जेल में बंद था। 2 साल से ऊपर तक फरार रहने वाला शाहरुख आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कासमाबाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दिया। इस दौरान शाहरुख पुलिस पर फायर कर फरार होना चाह रहा था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस पर 12,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इसके पास से तमंचा कारतूस के साथ ही नकदी भी बरामद हुई है। ऐसा है कि हमारे इंस्पेक्टर कासमाबाद को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि डाही पीड़िया के पास कोई संदिग्ध अपराधी मौजूद है। इस पर उन्होंने अपने पुलिस फोर्स के साथ इसकी घेराबंदी की, जहां से वो भागना शुरू किया, पुलिस पर फायर भी किया, लेकिन इन लोगों ने अपने कौशल से उसको जान पर खेल के पकड़ा। बाद में पता चला कि ये पकड़ा गया अपराधी मोहम्मद शाहरुख उर्फ इब्राहिम पुत्र सफरुद्दीन है, जो ग्राम सराय अलीनगर चंदौली का रहने वाला है और वर्तमान में ये जयपुरा वाराणसी में लुक छिप कर रहता था। ये हमारे यहाँ चोरी के कई वारदात में जेल जा चुका है और जेल से ही यह जो है 2015 में फरार हो गया था, जिस पर थाना कोतवाली में भी 1885/15 धारा 222, 223, 224 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह वांटेड था और इस पर जो है इनाम भी घोषित था। इस तरीके से एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये जब जेल से भागा था, उसमें 3 बंदी रक्षक तो सुरेंद्रनाथ मिश्रा, रविशंकर पांडे और संतोष कुमार तथा इस फरार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत हुआ था।